उज्जैन संभाग में कई व्यापारी भारत के अलग अलग शहरों से अपने फल फ्रूट और दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों का परिवहन लोडिंग और अन्य वाहनों के माध्यम से करते हैं और यह वाहन चालक इंदौर संभाग में ही रहते हैं। लाखों रुपए लगाकर वाहन खरीदते हैं और जब वाहनों के पेपर कंप्लीट करने की बात आती है तो वाहन चालक मध्य प्रदेश में और उज्जैन संभाग में आईटी विभाग में पेपर कंप्लीट करवाना उचित नहीं समझते और अपने पेपर लेकर मध्य प्रदेश के करीबी राज्य छत्तीसगढ़ जाकर अपने वाहनों के पेपर कंप्लीट करवाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पेपर कंप्लीट करवाने से कम पैसे और कम राशि लगती है और वहीं राशि मध्य प्रदेश में 4 गुना अधिक होने की वजह से वाहन चालक छत्तीसगढ़ राज्य में अपने वाहनों का उपयोग करते हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के दस्तावेज वाहनों में उपयोग करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में से अन्य जगह से व्यापार व्यवसाय भी करते हैं पर टैक्स ज़्यादा है, उनकी परेशानी ज़्यादा है, इसलिए उनका लगाव छत्तीसगढ़ से बना हुआ है, वहाँ पर वो करवाते हैं। तो ये तो किस प्रकार सरकार को क्या करना चाहिए, उनकी समस्या को निदान करना चाहिए? इसमें तो सरकार को ये करना चाहिए कि जो टैक्स हैं एमपी सरकार जो लाइफ टाइम बना भरवा रही है, लाइफ टाइम टैक्स है, इसको क्वार्टर में करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए? कम करना चाहिए। ये अभी क्या है कि जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं वो तो गाड़ी उठा रहे हैं और बाहर करवा रहे हैं और बाहर इसलिए करवा रहे हैं कि बोले टैक्स कम लगता है, क्वार्टर में ले लेते हैं तो बाहर करवा देते हैं। अभी जो छोटे मोटे लोग हैं जो जीवन बसर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो अगर मोटर मालिक बनना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनको तो बाहर करवाना पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात यह कि टैक्स अगर एमपी में अगर करवाए तो एमपी वाले सरकार ने टैक्स लाइफ टाइम कर रखा है तो टैक्स बहुत ज़्यादा बनता है, 8% अगर टैक्स ले तो 1 लाख ऊपर जा रहा है, 1,30,000 के आसपास जा रहा है। कंप्लीट करवाया है तो 2.5 लाख रुपये के आसपास जाता है। यही गाड़ी अगर छत्तीसगढ़ करवाते हैं 60-70,000 रुपये में हो जाती है। अब छोटे मोटे लोग को तो पता नहीं कि कहाँ पे करवाना है, बड़े ट्रांसपोर्टर करवा लेते हैं तो उनके क्रिया लगवा, ये समस्या आ रही है। सरकार के लिए तो ध्यान देना चाहिए या तो क्वार्टर टैक्स से कर दो ताकि टैक्स कम हो जाए और जो गाड़ी उठाते हैं छोटे मोटे लोग तो इस ट्रांसपोर्ट लाइन में दूर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।